अपने जीजा को करहल में कैसे हराएंगे अखिलेश? करहल में सपा से भतीजा लड़ रहा है चुनाव, तो भाजपा से जीजा लड़ेंगे चुनाव। बाबा ने अखिलेश के परिवार में डाल दी फूट। करहल में अखिलेश के जीजा और भतीजे हो गए एक दूसरे के सामने। अखिलेश के गढ़ में योगी ने सेंध लगाने का बड़ा तगड़ा दिमाग लगाया है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की हॉट सीट करहल की, जहां सपा हमेशा से ही मजबूत रही है, जीतती आई है। लेकिन इस हॉट सीट पर योगी ने काफी पहले से दिमाग लगाना शुरू कर दिया था। बजट देकर विकास कराना हो, रैलियों में जाना हो, जनसभाएं करनी हो, बाबा ने करहल में सब कुछ किया। और अब बाबा ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे अखिलेश यादव की नींद उड़ जाएगी। अब बाबा ने एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है कि सपा के लिए मुश्किलें बेहद बढ़ गई हैं। प्रत्याशी का नाम है अनुजेश यादव। जी हाँ, अनुजेश यादव, मतलब करहल में यादव वर्सेस यादव होने वाला है। सपा ने इसी सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। तेज प्रताप यादव लालू के दामाद हैं और अखिलेश के भतीजे हैं। इनके बारे में जानने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अनुजेश यादव कौन है, जिनकी चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है और करहल विधानसभा सीट में जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें हो रही है। देखिए, अखिलेश के करीबी और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की बहन का नाम संध्या यादव है। ध्यान से सुनिए, संध्या यादव मुलायम सिंह यादव की भतीजी हैं और संध्या यादव जो हैं वो मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राज यादव की बेटी हैं, यानी अखिलेश के चाचा की बेटी हैं। और संध्या के पति का नाम है अनुजेश यादव, यानी अखिलेश की जो चचेरी बहन है उनके पति हैं अनुजेश यादव। एक रिश्ते से ये हुए अखिलेश के जीजा जी, यानी बहनोई। संध्या यादव की एक पहचान ये भी है कि यादव परिवार की ये पहली बेटी है जिन्होंने राजनीति में कदम रखा था। संध्या यादव मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। और बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के पहले संध्या यादव अपने पति अनुजेश के साथ भाजपा में आ गई थी, भाजपा का दामन थाम लिया था। करहल विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, विशेषकर इसकी निकटता सपा मुखिया अखिलेश यादव के गाँव सैफई के होने के कारण है। इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, या यूं कहें जलजला रहा है। लंबे समय से ये चीज जारी है कि समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव जीतती आ रही है। मुलायम सिंह यादव के काल से शुरू हुआ ये मामला पूरे सैफई परिवार के क्षेत्र में गहरी पैठ बना दिया है इसने। और यादव मतदाताओं की जो बहुलता ने सपा के लिए एक मजबूत किले के रूप में ये काम करती है। 2022 के चुनाव में भाजपा ने केंद्रीय मंत्री SP बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ मैदान में उतारा था, लेकिन भाजपा को यहां पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बनने के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दिया और अब करहल में उपचुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन भैया, बाबा ने अखिलेश के इस किले को भेदने का बहुत तगड़ा दिमाग लगाया और उनके बहनोई को ही अखिलेश के खिलाफ उतार दिया। तेज प्रताप सिंह के बारे में भी आपको बता देता हूं जल्दी से। तेज प्रताप सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह के पोते हैं। वो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चचेरे भाई रणवीर सिंह के बेटे हैं, यानी वो उनके भतीजे हैं। रणवीर सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, 36 साल की उम्र में उनका निधन हो गया था। रणवीर सिंह जो है वो मशहूर जो सैफई महोत्सव उसकी नींव रखी थी उन्होंने, और वो ब्लॉक प्रमुख के पद पे भी कार्यरत थे। तो ये तिकड़म बाबा ने करहल में भिड़ा दिया है और अखिलेश के लिए नई मुसीबत पैदा कर दी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या अखिलेश के लिए करहल की सीट अब मुश्किल साबित होगी, और क्या भाजपा सपा के इस अभेद किले को इस बार भेदने में कामयाब हो पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। इस खबर में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।